एसेंट स्कूल ऑफ साइंस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं काबरा सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे आज हम। नॉर्मली आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, बट यहां पर हम स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उनमें सबसे पहला पॉइंट है द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर के साथ हम उसका नेमिंग शुरू करेंगे। द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन एज वन वर्ड। वन वर्ड के जैसे ही हमें उसको लिखना होगा विदाउट एनी गैप। जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखते हैं तब उसमें कोई भी गैपिंग नहीं होगी। द नेम ऑफ द काउंटर आयन, काउंटर आयन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो बाहर होता है ना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन, इज रिटन विद द गैप, उसको हम गैप के साथ लिखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहां पे बता दिया, जो पोटेशियम हेक्साइनो निकलेट थर्ड, ऐसे एक और एग्जाम्पल है यहां पर डाई एमाइन सिल्वर वन क्लोराइड। तो यहां पर हमने गैप किया है ना, और बाकी में गैप होगा नहीं। रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहां पर हम कुछ रूल्स के थ्रू देखेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट रूल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग का, जिसमें कि द कैटायन इज नेम फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो चाहे पॉजिटिवली चार्ज है चाहे नेगेटिवली चार्ज है, बट उसमें जो कैटायन है उसका नाम पहले लिखा जाता है। ऑलवेज बी फर्स्ट राइट टू कैटायन, आफ्टर दैट वी विल राइट टू एनायन। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर है, उन एग्जाम्पल्स में से मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर है CO कोबाल्ट NH3 का 4SO4, तो आप उसका नेमिंग कैसे लिखोगे? आप NH3 4 है तो उसको कैसे लिखोगे? आप टेट्रा एमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट। ऐसे यहाँ K4Ni CN6। अब यहां पर देखिए, यहां पर केटाइन है तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे? केटाइन को लिखोगे। एक केटाइन का नेम आ गया पोटेशियम, फिर टेट्रा साइनो निकलेट और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, तो 0 कर दिया हमने। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में PtNH3 का होल ट्वाइस Cl4, तो इसका नेम लिखना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? डाई एमाइन टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनम 4। सेकंड रूल, द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन। जो हम लिगेंड जो यूज लिखेंगे ना, उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मोर देन वन लिगेंड्स है, तो जिसमें जैसे एमाइन पहले आता है तो ए पहले आता है, पहले लिखेंगे। जैसे क्लोरिडो सी बाद में आता है तो बाद में लिखेंगे। यानी अल्फाबेटिकली हम उनको अरेंज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं इस रूल को। जैसे यहां पर AgNH3 का होल ट्वाइस, जैसे इसमें तो क्या है, सिर्फ एक ही टाइप का आपको लिगेंड है। जैसे इसको आप कैसे लिखोगे? डाई एमाइन सिल्वर वन क्लोराइड, बट यहां पर आपको क्या हो गया, एमाइन भी है और सीएल भी है। अब एमाइन का ए आता है और सीएल का सी आता है, तो यहां पर ए पहले आएगा। जब आप उसका नेमिंग करोगे तो आपको क्लियर आएगा कि डाई एमाइन टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनम 4। तो क्लोरिडो बाद में आएगा, पहले, क्योंकि यहां अल्फाबेट में ए है और यहां पर सी है, तो डेफिनेटली सी बाद में आएगा। अल्फाबेटिकली हमें लिखना पड़ता है K3FeCN6, तो यहां पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड, इजीली लिख पाएंगे हम। तो सेकंड रूल था। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई,
आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिगेंड का नंबर कितना है, अगर वन है तो मोनो, टू है तो डाई, थ्री है तो ट्राई यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल में हम नेम लिख के देखेंगे, जैसे यहां पर NH3 कितना है, 4 है, H2O 1 ही है और ClB 1 है, है ना। तो जैसे आपको नेम लिखना है तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो यहां ये NH3 4 है तो उसको क्या लिखते हो आप, टेट्रा एमाइन। अब H2O के लिए लिखते हैं हम एक्वा, तो उसको लिख दिया हमने एक्वा। फिर उसके बाद Cl क्लोरो, क्लोरो के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरिडो। फिर मेटल आ जाएगा आपका कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड और बाद में क्लोराइड। ऐसे ही आपको इसके लिए लिखना है तो यहाँ NH3 कितना है, 2 है, Cl है और NO2 है। तो सबसे पहले आप लिखते हो डाई एमाइन क्लोरिडो, फिर नाइट्रो प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड। ऐसे ही जैसे यहाँ NH3 आपके पास कितना है, 3 है, और वाटर कितना है, 3 है, तो ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो ऐसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी ध्यान में रखना है और लिगेंड का नंबर कितना है उसके बेसिस पे, वन होता है तो मोनो, टू होता है तो डाई, थ्री होता है तो ट्राई, फोर होता है तो टेट्रा, ऐसे करके हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे हम, रूल नंबर 4, पॉलीडेंटेड लिगेंड, व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूडेड ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स की बात करेंगे यहां पर, देन द टर्म, अगर टू होता है तो उसको बोलते हैं बिस, थ्री होता है तो उसको बोलते हैं ट्रिस, फोर होता है तो बोलते हैं टेट्राकिस, आर यूज्ड द लिगेंड टू विच दे आर रेफर बीइंग प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस। फॉर एन एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल से हम इस रूल को समझेंगे कि ये जो है ना मेनली किसके लिए यूज हो रहा है, जहां पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक लिगेंड की। जैसे ये एथिलीन डायमीन आ गया, ई एन, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहां CR के साथ EN का होल थ्राइस CL4। तो यहां पर अगर इसका नेम हमें लिखना है तो 3 है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ट्रिस, इथेन 1,2 डायमाइन, वही आ गया, और फिर आपका मेटल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ऐसे ही यहां पर NiCl2 PPS3 का होल ट्वाइस। तो अब यहां पर ये ऑर्गेनिक लिगेंड है तो आपको सबसे पहले तो आपने क्या किया, डाई क्लोरिडो, अब इसके लिए दो है तो क्या लिखेंगे हम, बिस, ट्राई फिनाइल फोस्फाइन निकेल सेकंड। तो यहां पर ट्राई फिनाइल फोस्फाइन, ट्राई फिनाइल फोस्फाइन ये हो गया, बट इसका नंबर कितना है, टू है, तो इसीलिए हमने आगे क्या यूज वर्ड यूज किया है, बिस। ऐसे ही यहां पर ये एथिलीन डायमीन की बात कर रहे हैं, है ना, तो बट इसका नंबर कितना है, 3 नंबर है, तो हम यूज करेंगे ट्रिस, इथेन 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो यहां पर ऑर्गेनिक जो लिगेंड है उनका नंबर कितना है, 2 होता है तो 20, 3 होता है तो ट्रिस, 4 होता है तो टेट्रा किस हम यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन इन केटाइन, एनाइन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल्स। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ट्रांजिशन मेटल का, उसको हम रोमन के अंदर लिखा जाता है, एक ब्रैकेट के अंदर उसको क्लोज कर देते हैं हम, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहां दो एग्जांपल से आप देख सकते हैं, जैसे K3AlC2O4 का थ्राइस, तो जैसे आपको इसका नंबर लिखना है तो आप सबसे पहले केटाइन लिखा जाता है, तो आपने लिख दिया पोटेशियम, फिर अब ट्राई ऑक्सीलेटो, फिर एल्यूमिनेट थर्ड। ये थर्ड क्या बता रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कि यहां जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल, K2ZnOH का होल 4, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले केटाइन को लिखेंगे तो वो गया पोटेशियम, अब हाइड्रोक्सी कितना है, 4 है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, जिंकेट, और सेकंड, यानी कि उस जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ट्रांजिशन मेटल का, उसको हम किसमें लिखते हैं, रोमन के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज केटाइन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन क्या है,
केटाइन है, तो द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, तो उस मेटल का नेम कैसे लिखा जाता है, जैसे एलिमेंट का लिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, यहां पर आपका CONH3 का होल 4SO4, अगर आपको इसका नेम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, यहां पर टेट्रा एमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट, इजीली आप लिख पाएंगे यहां पर। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनाइन, आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो क्या है, एनाइन है। द नेम ऑफ द मेटल एंड विद द सफिक्स ATE, तो मेटल के एंड में आपको क्या सफिक्स क्या लगाना है, ATE सफिक्स लगता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस स्टेटमेंट को, जैसे यहां पर K4NiCN4, तो यहां पर हम देखेंगे इसका नेम अगर आपको लिखना है पोटेशियम, पोटेशियम केटाइन का नेम आ गया, टेट्रा साइनो निकलेट, ये ATE सफिक्स आ गया, निकलेट का ATE सफिक्स आ गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसका, जीरो, तो आपने ब्रैकेट में जीरो लिख दिया। द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है, इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स केटाइन, कॉम्प्लेक्स केटाइन के जैसे ही हम उसको लिख देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल PDNH3 का होल ट्वाइस Cl2, तो अब अगर आपको इसका नेम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, डाई एमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड। नॉर्मली आप अगर न्यूट्रल है और केटाइन है तो ऐसा जो उसके नेम से लिखते हैं, बट अगर एनाइन है तो उसमें आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि वहां पर आपको ATE सफिक्स यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि NH3 का होल ट्वाइस और AgCN2, अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जिसका नेम लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डाई एमाइन सिल्वर 1, डाई एमाइन सिल्वर 1, फिर डाई साइनिडो आर्जेंटेट फर्स्ट, जस्ट लाइक दैट ऐसे इनका नेम लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का AgAg का तो सेम आ रहा है बट लिगेंड्स अलग अलग है। यहां पर जैसे प्लेटिनम है, ट्रांजिशन मेटल इज सेम हियर, यहां पर पिरिडीन है और यहां पर Cl इज ए लिगेंड हियर, तो आपको इसका नेम लिखना है दो, और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 4-4 आ रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे, टेट्रा पाइरिडीन प्लेटिनम सेकंड, फिर टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। देखो यहां पर आपने ATE सफिक्स लगाया है ना, क्योंकि डिपेंड करता है कि जो आपका लिगेंड है ना वो कौन सा है, न्यूट्रल है, केटाइनिक है, एनाइनिक है, उसके बिहाफ पे आप बताते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं जिनके IUPAC नेम आपको लिखने हैं, टोटल यहां पर आपको 6 कंपाउंड दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो जैसा मैंने आपको सारे रूल्स सिखाए हैं आपको उन रूल्स को यूज करते हुए इन 6 कंपाउंड का नेम आपको लिख के दिखना है कि क्या आप इनका नेम लिख पाते हैं कि नहीं, तो अच्छे से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं कुछ IUPAC नॉर्म्स विद द सिस्टमेटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको सारे कंपाउंड मैंने यहां पर 9 कंपाउंड्स है, आपको क्या करना है सिस्टमेटिकली इनके IUPAC नेम्स लिखने हैं, तो ये प्रैक्टिस जरूर करें, है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन उतना अच्छा आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।